नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन सपोर्ट में। इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ कक्षा 10 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया है इस प्रकार, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ठीक, मतलब हमें सही उत्तर इसमें बताना है कौन सा सही विकल्प होगा और वो सही विकल्प क्यों होगा। तो देखिए क्वेश्चन दिया गया, एक हमें समांतर श्रेणी दी गई है 10, 7, 4, इसी तरीके से पद आते रहेंगे। उसका 30वां पद क्या है, यानी कि 30वें नंबर पर क्या संख्या आएगी, ये हमें बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमें दिया गया है, क्या हमें गिवन है। पहला पद हमारा हो जाएगा श्रेणी का a = 10, हो गया a = 10 प्रथम पद। उसका d निकाल लें, d क्या होता है सर्वांतर, तो d 7 अगले पद से पिछला पद माइनस कर देंगे, तो यहाँ डी बराबर कितना आ जाएगा -3, क्योंकि प्लस का छोटा था माइनस का बड़ा था। अगर माइनस का बड़ा है तो घट जाएगा छोटे वाले से, लेकिन आएगा माइनस में, -3 यहाँ पर आ गया। उसके बाद हम देखते हैं जो हमें निकालना है एनवा पद, यानी कि 30वां पद। तो हमें निकालना है a30 का मान, किसका निकालना है a30 का मान। तो देखिए a30 बराबर हमें दिया गया है क्वेश्चन में, यानी कि 30वें नंबर पर पद कौन सा है ये हमें बताना है। तो देखिए पहले एनवा पद का सूत्र लिखते हैं, an = a + n-1 d, लिख देंगे। अब an यानी कि n का मान कितना दिया, पर देखिए 30, यहाँ पर लिख देंगे a30 बराबर a का मान दिया है 10 प्लस n का मान हमने 30 यहाँ से लिख लिया 30-1, और d का मान देखिए हमें दिया था -3। ये हम n कैसे जान गए कि 30 है, यहां तक हम जान गए a30 का मान निकाला था, यानी कि 30वें पद का मान। तो n यहाँ पर क्या होगा 30, यहाँ तक कितने पद हैं 30 टोटल पद हैं। ठीक है, वही पद हमें निकालना है। चलिए देख लेते हैं, a30 बराबर यहाँ हो गया 10 और 30 से गया हो गया पर 29 और यहाँ गुणे -3। ठीक है, तो a30 बराबर हो जाएगा 10 और -87, माइनस से गुणा होगी तो यहाँ पर हो गया -19, 29, 87 हो गया। तो a30 बराबर यहाँ पर आ जाएगा -77, फिर घट गया यहाँ पर, क्योंकि 10 जो था वो छोटा था और माइनस का बड़ा था, तो आएगा माइनस में लेकिन 10 घट जाएगा 87। तो इस प्रकार इसका जो सही ऑप्शन होगा कितना होगा, -77। सही विकल्प इसमें आपका कौन सा था, 77। तो यहाँ पर लिख देंगे हमारा जो सही विकल्प है, सही विकल्प वो क्या होगा, c - 77। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए इसका सवाल नंबर जो हमारा दूसरा है, दूसरे का, उसमें क्या दिया गया है, हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है -3, -1/2 और 2, और इसका हमें निकालना है 11वां पद, यानी कि 11वें पद पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक, तो यहां तक 11 पद हो जाएंगे, n बराबर में पता चल गया 11, और देखिए पहला पद है -3 और d हम निकाल लेंगे अभी। ठीक है, फिर चेक कर लेंगे इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारा जो क्या क्या दिया है, गिवन a बराबर हमें दिया है -3 और d बराबर हम निकाल लेंगे अगला पद और माइनस कर दिया इसमें से पहला पद, तो d बराबर आ गया -1/2 और माइनस माइनस यहाँ पर हो गया प्लस का। अब इसको हल कर लेंगे तो d बराबर यहाँ पर आ जाएगा 2, 2 - 1, 2 - 6, तो d बराबर आ गया यहाँ पर 5/2, d बराबर कितना आ गया 5/2। ठीक है, उसके बाद देखिए हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था 11वां पद, तो n बराबर यहाँ पर कितना है 11, ये हमें इतनी जानकारी है। अब हम सूत्र लगाते हैं nवां पद का, तो nवां पद का सूत्र क्या होता है, an बराबर a + n-1 d, ये हमें पता है। n की जगह हमें कितना पता है 11, ये 11वां पद निकालना है। पहला पद देखिए हमने निकाला था कितना, -3 प्लस n कितना था 11 माइनस का 1 और d हमने निकाल लिया था 5/2। ठीक है, तो -3 और 11 से यहाँ पर हो जाएगा 10 × 5/2, 2 से काट देंगे 2 × 5 = 10, तो ए 11 बराबर यह कितना आ जाएगा -3 × 5 = 25, यहाँ पर कितना हो गया 25, और 25 से 3 जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 22, कितना आ गया 22। तो इस प्रकार जो हमारा सवाल नंबर था दूसरे का दूसरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें सही ऑप्शन आपका कितना है 22।
यानी कि बी नंबर सही ऑप्शन यहाँ पर हम लिख देंगे। सही विकल्प क्या होगा इसमें, बी यानी कि 22, यानी कि 22। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है तो आप हमें कमेंट कर बता दीजिए। ठीक है, अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।